आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये खाने का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ा देगी। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आज मैं बनाऊँगी फ्राई मिर्च। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 25 से 30 हरी मिर्च ली है, जिसे मैंने अच्छी तरह से वॉश करके और एक साफ़ कपड़े से पोंछ लिया है। अब बारी आती है इसे काटने की, तो आपको जैसा पसंद है आप वैसा काट सकते हैं, नहीं तो मिर्च के बीच में इस तरह से चीरा लगा के इसके दो पीस कर सकते हैं। अगर मिर्च ज़्यादा बड़ी है तो एक मिर्च के चार पीस आप कट कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है इसे बनाना। तो इस तरह से मैं सारी मिर्च को कट कर लूँगी और फिर इसके बाद हम चलेंगे इसे बनाने। तो चलिए अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई के अंदर मैंने 1 सर्विंग स्पून ऑयल डाला है। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा फिर मैं इसके अंदर डालूँगी 1 चम्मच ज़ीरा, जो नॉर्मली हम घर में चम्मच यूज़ करते हैं, चम्मच से मैंने 1 चम्मच ज़ीरा डाला है। और जब ज़ीरे का कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो करना है और उसके बाद ही इसके अंदर मिर्च डालना है। मिर्च डालने के बाद इसे उसी समय ढक देना है 1 मिनट के लिए। और 1 मिनट बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक। तो यहाँ पर मैंने नमक डाला है 1/2 चम्मच नमक, और थोड़ा सा डाला है मैंने इसके अंदर काला नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, और कोई भी इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डालने की ज़रूरत नहीं, बस ये दो चीज़ें इसके अंदर डालनी हैं। और फिर इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और इसे फिर से हम ढक देंगे, और ढकने के बाद इसे 2 मिनट तक फिर से पकाना है। मिर्च जब भी आप बनाएं, जब भी इसे फ्राई करें, तो इसे हमेशा लो फ्लेम पर ही फ्राई करें। तो ये देखिए 2 मिनट बाद मिर्च अभी थोड़ी सॉफ्ट हुई है, इसे हमें थोड़ा सा और पकाना है ताकि मिर्च खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगे। तो मैं इसे फिर से ढक दूंगी 2 मिनट के लिए। तो 4 से 5 मिनट में मिर्च बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो जाती है। तो अब मैंने गैस की फ्लेम थोड़ी सी लो मीडियम पे रखी है। तो आप ये देखिए 2 मिनट बाद फिर से मिर्च बहुत ही अच्छी तरह से बनकर तैयार है। तो इसी तरह से अगर आप मिर्च फ्राई करेंगे तो ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। अब मैं गैस की फ्लेम को कर दूंगी ऑफ़ और हम करेंगे मिर्च को सर्व। तो आपने देखा बिना मसाले के बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये फ्राई मिर्च बनकर तैयार है। देखने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही है। आप इसे किसी भी खाने के साथ सर्व करें, ये खाने का टेस्ट ना और भी ज़्यादा दुगना करने वाली है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है ये। और सबसे बड़ी बात कि आप इसे एक ही बार बनाकर 7 से 8 दिन के लिए रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। और जब भी मन करे खाने के साथ इसे सर्व करें, खाने का टेस्ट तो अब दुगना होने वाला है अगर आप इसी तरह की मिर्च खाने के साथ सर्व करेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।